हेलो गाइस, आज मैं 12 बजे मेरा ब्लॉग चालू कर रही हूँ। ये जो मेरे साथ सर्विस करते हैं वो हैं, और आप सब कैसे हो? तो आज मैं लेट हो गई, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे पार्क में आए हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। इनको मैं साथ लेके आई हूँ और अभी झूला खा लेते हैं थोड़ा सा। ये झूले हैं, पार्क है, बहुत बड़ा है, एकदम पास में ही है मेरे ऑफिस के, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ लंच में, तो अभी वीडियो बना रही हूँ। हेलो, है आपका टूटा हुआ है, गिर जाओगे, देखो टूटा हुआ है ऊपर से, आप गिर जाओगे। हमारी तो अच्छी से बंधी हुई है, दोनों देखो, दोनों ये टूटा हुआ झूला है आपका, टूटा हुआ मेरा तो सब बताइए। टूटा हुआ ना तो इसमें है ना टेढ़ा जाएगा, और मेरा वाला एकदम से सीधा है, मेरा वाला आड़ा नहीं जाएगा, सीधा सीधा रहेगा। मुझे डर भी लग रहा है, गिर मत जाना, टूट गया ना एक तरफ से तो टूटा हुआ है, और एक बांध रखा है। हाँ, और एक तरफ से ही ये सही है। डर लग रहा है कि मैं इतने खाऊंगी क्या, इतने ही खाऊंगी, इनको डर लग रहा है, कहते एक तरफ से और नहीं टूट जाए, एक तरफ से तो टूटा हुआ है ये। तो चलते हैं गाइस, ये पिचके वाला भी खड़ा है इधर, हाँ वो इधर खड़ा है गाइस, चलो उसके पास है ना, पिचके खा के आ रहे हैं, और हम पैसे भी लेके आए दोनों जने थोड़े थोड़े, तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। 10-10 रुपए के पिचके बहुत है, ज़्यादा तो खाने वाले हैं नहीं हम, फिर लंच भी लेके आए, लंच भी तो खाना है ऑफिस में जाके, तो अभी चलो पिचके वाले के पास चलते हैं, उधर से चलते हैं गाइस, नहीं तो ये है ना लोहे के चुभ जाएंगे, ऊपर के जाएंगे तो साड़ी है, कहीं साड़ी फट जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी यहीं पर। ये इधर रास्ता है, रास्ते से चलते हैं, और ये पास में भी है रास्ते के पिचके वाला, देखते हैं इसके पास खाएंगे कि उसके पास। फुहारा है ये यहाँ पे फुहारा चलता है रात को। इसके पास ही चलेंगे गाइस, इसके पास नहीं चलेंगे, इसके पास तो भीड़ है, 2-3 है ना जेंट्स खड़े हैं, तो उधर ही चलेंगे, चलो उधर ही खाएंगे, उनके पास कोई नहीं है। मेरे प्याज के और अच्छा आप प्याज खाते हो, मेरे को तो प्याज वाले पसंद आते हैं, तो गाइस मैं प्याज वाले ही खाऊंगी। कैसे हैं, मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये वाला ही दो भैया, खट्टा मीठा पानी है ना, रेड वाला। शाम को ज्यादा भीड़ होती है ना भैया, इस टाइम तो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, और शाम को ऑफिस की छुट्टियां होती है। कितने हो गए भैया, 20 रुपये? अच्छे खिलाए भैया ने पिचके, लाल मिर्ची में दे दो मेरे को एक पपड़ी, अच्छी लगती है मेरे को तीखी तीखी। थैंक यू भैया। तो हमने गाइस पिचके खा लिए हैं, पिचके मस्त लगे, क्योंकि मम्मी अभी लंच करके आए नहीं है, लंच तो वहीं पे रखा है, वो
वो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो ये पिचके वाला दिख गया, पिचके खा लिए, मजा आ गए। भूखे होते ना तो टेस्ट अलग ही आता है, अगर लंच करके आ जाते ना तो इतना टेस्टी नहीं लगते। चलते हैं गाइस, अभी लंच करेंगे जाके, वीडियो तो बन जाता है। हाँ तो अभी है ना, दिन में नाव चलती नहीं है, शाम को चलती है। तो आज भी मेरा ब्लॉग है ना लेट आएगा गाइस, कि रात को मैंने है ना चलाया नहीं था, एडिटिंग नहीं की थी, सुबह की थी, तो अभी सुबह आएगा मेरा ब्लॉग। तो ये देखिए, जब अपनी इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो अपनी इंडिया वालों ने ये ना अपने फोन में कर ली थी, तो यहाँ पे रखी हुई है पार्क में। ये देखिए गाइस, ये इतनी बड़ी जो पार्क में रखी हुई है, और बच्चे बैठे रहते हैं इस पर, घूमते रहते हैं। ये देखो बच्चे चढ़ गए, अभी ये है ना पाकिस्तान में घोड़ा छोड़ेंगे, देखना गाइस। अंदर घुस जा भैया, अंदर से वो पाकिस्तान की तरह मुंह करके इसमें घोड़ा छोड़ दो। अंदर घुस जा भैया, अंदर क्या है। हाँ ये देखो बैठ गया है ड्राइवर साहब। ये देखिए बच्चे फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो भाई ये चेक उठा दे, मैं उठाएंगे इसको भी गोले के साथ में ही। चलो अभी चलते हैं, हंसी मजाक हो गया है, अभी चल रहे हैं। इतना ही काफ़ी आज के लिए। अगर गाइस मेरा वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और कमेंट भी मारें, कमेंट भी मारें। मेरी तो नहीं सुनते हो, प्लीज इनकी तो सुनना। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ये थोड़ी सी देर में बनके तैयार हो जाएगी। ये सब्जी बन गई है, और मैंने इधर आटा लगा के रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी, तब रोटी बनाऊंगी। देखिए तो सब्जी चमक दी है, आटा गूंद के रख दिया है, अभी सब्जी बन जाएगी फिर रोटियाँ सेक लेंगे, गर्मा गर्म रोटी। ये छाछ लेके आई हूँ, छाछ के साथ रोटी सब्जी खाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस बुलट दूरी है, और कुत्ते को उस तरफ खड़ा कर दिया है, और ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से साफ किए लगा के साथ शैम्पू। वॉशिंग गाड़ी हो रही है देखो एकदम से, ऐसे धो दी, ऐसे अपन बाहर धुला के लेके आते हैं उससे भी अच्छी। ऐसी तो वॉशिंग करवा के लाते हैं ना, वो भी नहीं चमकाते, इतना चमका दिया इसको। तो गाइस हो गए हम तैयार, अभी दवाई लेने चल रहे हैं, कभी काट नहीं आया स्टील पर, वो लगे रहते हैं ना फ्रेम। तो गाड़ी पूरी धुल के साफ सुथरी हो चुकी है। तो गाइस इसमें ये पॉलिश नहीं करी हुई है, ये नारियल का तेल लगा कर इसको चमकाइए गाड़ी को, और काफ़ी
सुंदर दिखने लगी है। और जो वॉशिंग कराते हैं वो इतनी नहीं धोते, लेकिन घर घर पर धोने के बाद मेरे बच्चे ने अच्छे से गाड़ी धोई है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी लेके। शैम्पू से भी धोई है गाड़ी, पूरा शैम्पू खत्म हो गया हमारा गाड़ी धोते धोते। और गाड़ी तो गाइस आज से दवी लेने आए थे, तो अब काफी पहले तो चल रहा था, अब सर्वे डाउन हो गया तो उनका वेट कर रहे हैं। तो हमें तो घर भी जाना था, तो अब हॉस्पिटल से दवी लेने आए तो वो आरजीएस कार्ड वाले जो ऑनलाइन है वो शायद चल रही नहीं है, तो उसका वेट कर रहे हैं कब चले और कब दवी हम लेकर घर जाएंगे। तो गाइस अब वेट तो करना ही पड़ता है क्योंकि दवी अति आवश्यक है, दवी कल भी नहीं ली थी और आज ले रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दवाई ले ली है, अभी घर जा रहे हैं गाइस, जाके गर्मा गर्म चाय पियेंगे और बिस्किट खाएंगे। चलो शरद पूर्णिमा है तो आज सबके लाइट जली है, पर गाइस मैंने तो लाइट उतार दी थी, ये देखिए हमारे तो जलाई नहीं लाइटें, बाकी सबके लाइटें जली हुई हैं। इधर भी देखिए आज भी ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली है, दिए भी जल रहे हैं। तो गाइस अगरबत्ती मैंने ऊपर कर दी है और आज दिए जलाने हैं, तो चलो बाहर दिए लगा के आती हूँ। एक तो तुलसी मैया में लगाना है, आ जाओ। ये तुलसी मैया में दिए रख देते हैं, ये ऊपर रख देती हूँ। सेम दीपावली जैसा ही होता है, लाइटें जलाना, दिए जलाना, और 20-21 दिए जलाते हैं आज के टाइम में। क्या खेल रहे हो? मैं तो हलवा बना रही हूं। हलवा बना रहे हो? हाँ। किस चीज का बना रहे हो हलवा? मैं तो आटा का बना रही हूं। ओहो देखो आटे का हलवा बना रही है, देखो कितना सामान रखा हुआ है। और आप क्या कर रहे हो? मिट्टी छान रहे हो? तो क्या करोगे मिट्टी का? हलवा बनाएगी मिट्टी का? आटे का बनता है, सूजी का बनता है, तू मिट्टी का बनाएगी? तो कुछ भी एक्स्ट्रा मंगा लो, तो मेरे पास नहीं। तू खाएगा हलवा? और वो क्या बना रही है इधर, तू क्या बना रही है? तेल निकाल रही है। क्या बनाएगी तेल का? क्या बनाएगी है? हाँ? तेल का क्या बनाओगे? लड्डू मोदक बना रहे हो? लड्डू? अरे वाह, ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, घर बना रहे हैं, हलवा बना रहा है, कोई मोदक बना रहा है। तो गाइस आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।